ये वेरी गुड आफ्टरनून. एक्सरसाइज 13.5 वी हैव स्टार्टेड. लेट अस कंटिन्यू विद दैट. ऑप्शनल एक्सरसाइजेस दे आर टू बी डन. बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर. आई वॉज टेलिंग यू देर आर वी हैव डिस्कस द स्टेटमेंट अर्लियर. लेट अस रिकॉल इट. वी आर हैविंग वन वायर and one cylinder. इस सिलेंडर पे अगर आपको कॉपर वायर को लपेटना है इस तरह से ताकि पूरा सिलेंडर जो है वो कवर हो जाए. सो जो वायर है उसका डायामीटर हमें दिया हुआ है 3 mm. That is 3/10 सेंटीमीटर में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ बिकॉज द होल क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. सो इज द रेडियस. वायर का हमें डायामीटर दिया हुआ है. सो आई एम कैलकुलेटिंग द रेडियस अकॉर्डिंगली. एंड सिलेंडर जो है उसकी हमें हाइट और लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर. Height of the cylinder is 12 centimeter and the diameter of the cylinder, I'm taking it to be capital T. This is equal to 10 centimeter. Let us find the radius. This is equal to 5 centimeter. So, ye do cheeze hamare paas question mein available with these dimension that I'm writing on the board. This wire is to be revolved or wound around the cylinder. The question is, find the length of the wire which is needed for the purpose and find the mass of the wire. Density di hui hai, mass nikalna hai, volume into mass per unit. Now the question is, if we see the wire carefully, wire is also having some, you can say, width and jaise ki I just want to convey that wire is also in the form of a cylinder. Wo bhi ek cylindrical form mein hi wire hamare paas hoegi. Theek hai. To jo width thodi si halki si width hoti hai wire ki usko hum uska diameter consider kar le to accordingly hame radius di hui hai. हमारे पास वायर की लेंथ हमें निकालनी है. जैसे ही वायर की लेंथ निकलेगी रेडियस हमारे पास है. लेंथ दैट मींस हाइट ऑफ द वायर. वायर इज सिलेंड्रिकल इन शेप. सो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर. एंड व्हेन वॉल्यूम ऑफ द वायर इज ऑब्टेन्ड वी कैन फाइंड द मास बाय मल्टीप्लाइंग इट विद वॉल्यूम. नाउ द क्वेश्चन इस वायर को जब हम इस सिलेंडर के आसपास अगर लपेटते हैं जिसकी लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है. लेंथ कितनी दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर. इसकी रेडियस हमने लिया 3/20. डायामीटर इसकी मोटाई हो जाएगी 3/10. ठीक है 14 ounces. ओके चलिए अगर हम एक इस मान लो इस चौक को ही आप वायर समझो फॉर अ टाइमिंग. ये जो चौक ये जो वायर है हमारी व्हाइट कलर की इसको जब मैं इसके आसपास लपेटूंगी तो पूरा डिस्टेंस जो है उसको उसको पूरा करने में कितने चक्कर लगेंगे ये फाइंड करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू. जितना पूरा डिस्टेंस है एक डिस्टेंस में एक चक्कर में कितना इस सिलेंडर का एरिया और कितना इस सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट ये वायर कवर करेगी दैट इज अ क्वेश्चन. इफ आई वांट टू फाइंड दैट हाउ मेनी राउंड्स आर टू बी मेड टू कवर दिस सिलेंडर विद दिस वायर आई जस्ट हैव टू सी दैट इन वन राउंड हाउ मच एरिया और हाउ मच यू कैन से पार्ट ऑफ द सर्कल इट विल कवर. दैट इज वेरी ऑब्वियस दैट द पार्ट ऑफ द सर्कल that it will cover that is equal to its diameter. जितना इसका diameter होगा जितनी ये चौड़ी होगी
उतना पार्ट सर्कल का ये कवर कर लेगी, एक उतनी लेंथ, अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग चले, लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है, पूरी हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है, उस हाइट के अकॉर्डिंगली अगर हम चक्कर निकालने की, राउंड्स का नंबर निकालने की कोशिश करें, तो यू कैन सी जितना इसका डायमीटर है उतनी हाइट एक चक्कर में ये कवर कर लेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स टू कवर 12 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर। आई एम राइटिंग नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ वायर which is to be made to cover 12 centimeter height of cylinder. किसी भी चीज का नंबर फाइंड करने के लिए हमें टोटल चीज को यूनिटी के साथ, यूनिटी में होने वाली चीजों से डिवाइड करना पड़ता है। सो टोटल हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड एक चक्कर में जितनी हाइट कवर होगी दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द वायर दैट इज डिवाइडेड बाय 310 सेंटीमीटर। सो आपके पास जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, लेट अस सॉल्व इट। नंबर ऑफ राउंड्स यू विल गेट इट टू बी 12 अपॉन 3 इनटू 10 दैट इज 40 राउंड्स। 40 चक्कर इस वायर को निकालने पड़ेंगे अगर वो 12 सेंटीमीटर की हाइट पे के सिलेंडर को पूरी तरह से कवर करना चाहती। इस तरह से हमने डायमीटर के हिसाब से एक एक चौड़ाई, इसकी डायमीटर जितनी होगी उस चौड़ाई के हिसाब से हमने पूरी हाइट को उस चौड़ाई के साथ डिवाइड कर दिया डायमीटर की विड्थ के साथ 3/10। तो हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स आ गए 40। अब बात आती है लेंथ ऑफ द वायर हमें निकालनी है। अब आशिमा ने पिछले पीरियड में बताया था दैट द लेंथ ऑफ द वायर, आशिमा इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लेक्चर ना, आई कैन सी आशिमा नॉट देयर एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द अटेंडेंस ऑफ द डिफरेंट लेक्चर्स अगेन, मतलब 15-16 स्टूडेंट्स, पता नहीं क्यों आप लोग इतने ज्यादा। फिर आई शुड पर्सनली इंडिविजुअली कॉल टू योर पेरेंट्स दैट पेरेंट्स शुड सिट ऑन यू पीपल दैट वेदर यू आर अटेंडिंग द क्लासेस और नॉट, इट्स वेरी बैड। यू आर मैच्योर्ड इनफ, पेरेंट्स आर हैविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो आप पे ऊपर सीट पे बैठे रहे कि आप क्लास लगा रहे हो या नहीं, है ना। बी रिस्पॉन्सिबल यूर सेल्फ। तो एक चक्कर की जब हम लेंथ निकालें, पूरी वायर की लेंथ कैसे निकलेगी 40 राउंड में वायर की लेंथ, तो हम एक राउंड में अगर वायर की लेंथ की बात करें तो आशिमा ने हमें बड़ी अच्छे से बताया था पिछले पीरियड में, इस पीरियड में पता नहीं क्या कर रही होगी, सो रही होगी मुझे लगता है। तो एक राउंड में जो वायर की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। सो हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ द वायर इन वन राउंड दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। And that is equal to 2 pi r. That is equal to 2 into 22 by 7 into radius 3/20. Pi की value मुझे देखने दो कितनी ली हुई है। Pi की value actually next हमारे पास जो आना है उसमें put की जा सकती है। 3.14 ली हुई है वैसे उसने, चलो दिया भी हुआ है that pi is to be used as 3.14. पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, 3/20 दिस इज 10, 9.42/10 दिस इज 0.942 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर which is to be used in one round, जिसको कि one round में आपने use करना है। Now, total length of wire
total length of the wire to cover the cylinder is equal to, जो एक राउंड का वायर का लेंथ आई है उसको 40 से यू हैव टू मल्टीप्लाई, बिकॉज 40 राउंड्स आर टू बी मेड टू कवर द सिलेंडर विद द वायर, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 40. सेंटीमीटर should be the length of the wire which will be used for this purpose. Circumference. Oh, एक गलती हुई है हमसे. जब हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर ले रहे हैं तो हम रेडियस तो वायर की लेते जा रहे हैं. रेडियस हमें सिलेंडर की लेनी थी और सिलेंडर की जो रेडियस है वो तो 5 सेंटीमीटर थी. ये गलती हुई है यहाँ पे. जस्ट ए मिनट वेट, तभी मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं पीछे मैच कर रहा. देखो वन मिस्टेक एंड द होल थिंग्स गेट रॉन्ग. आर हमने कैपिटल आर लिया था सिलेंडर की रेडियस को, कैपिटल आर 5 है, सो वन जो राउंड में लेंथ आएगी दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस 2πr ऑफ द सिलेंडर एंड द टोटल लेंथ जो है फॉर दैट 40 राउंड आर नीडी. So we have to multiply it by 40. This comes out to be the length of the wire that is equal to 1256. Now come to the volume, mass of the wire. To find the mass of the wire, first of all, volume of the wire is needed. Chaliye, let us find volume of the wire. Volume of wire, cylindrical in shape, pi r square, h hum cylinder ki height, small h humne consider ki thi. Ab jo length aayi hai wire ki, usi ko hum into the length likh do aap, length of wire. Wahi uski height mani jayegi. So this is 3.14 into r square, radius of the wire, it was 3/20 into square and length right now comes out to be 1256. This comes out to be the volume of the wire. So this is equal to 3.14, 3/20 into 3/20 into 1256. ये volume आएगा ना wire का. हम इसको solve नहीं करते, आगे इसको density से multiply करते हैं, cutting वटिंग हो जाएगी काफी, है ना. So this is the volume. So there are four. Mass is equal to volume into mass per unit. So this is the volume 3.14 into 3/20 into 3/20 into 1256 multiply mass per unit is 8.88 grams. इसको अब हमने सॉल्व कर 3.14 into 3/20 into 3/20, 1256 into 8.88. So इसको आप कटिंग वटिंग कर दो, देखिए जरा क्या बन रहा है. फोर के टेबल पे पहले करें नीचे 20 को, 20 के टेबल पे सीधा तो जाएगा नहीं. ठीक है, और कुछ 2 के टेबल पे, फोर पॉइंट फोर फोर, एनीथिंग एल्स, 10 तो नीचे रहने ही दो,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल बी हैविंग 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 4.44 ओवर 50. सॉल्व करना इसको, यू विल रीच टू द आंसर. आई एम गिविंग द कैलकुलेशन टू यू. सॉल्व इट योर सेल्फ एंड द आंसर यू विल गेट इट टू बी 788 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली. आ जाएगा आंसर. कैलकुलेशन टिल नाउ इट्स अप टू द मार्क. सो बस एक बात आपने याद रखनी है, दो चीजें रिक्वायर्ड थी, लेंथ ऑफ द वायर. सो लेंथ ऑफ द वायर विल बी द लेंथ विच इट इज मेकिंग इन द नंबर ऑफ राउंड्स विच आर नीडेड. सो टू फाइंड द नंबर ऑफ राउंड्स व्हाट वी डिड, वी डिवाइड द होल हाइट ऑफ द सिलेंडर बाय द डायमीटर ऑफ द वायर, वी गेट द नंबर ऑफ राउंड्स. एंड व्हाट इज द लेंथ इन वन राउंड, दैट इज सर्कमफेरेंस. सो टोटल लेंथ, number of rounds into circumference, that will give you the total length, and that is the first answer. And using that length in the volume and multiplying that volume by the mass per unit, you will get the density. Multiply volume by the density, that is mass per unit, you will get the mass of the wire. ठीक है, important question है, थोड़ा सा मतलब अलग है, different है, otherwise अगर आप concept से चलो कुछ मुश्किल नहीं है. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Right angle triangle whose sides are 3 cm and 4 cm other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. We are having a right angle triangle. Is tarah se maine isliye liya, revolving asaan ho jayegi. Sides other than hypotenuse are given to be 3 and 4. It is revolved about the hypotenuse. And this way, he says, find the volume and the surface area of the double cone so formed. चलिए, सबसे पहले अगर हम इस you can say इसको इसके hypotenuse के about हमें revolve करना है, तो ninth में हमने एक question भी किया था. Otherwise, you can see the figure also. That whenever we are revolving a certain figure by or about some line, that line is to remain fixed. उस line ने fixed रहना है और उसको उठा के दूसरी vertex को उठा के हमने उसके आसपास घुमा देना है. So what you will get? You will get a double cone. You just imagine it will be like एक लट्टू, इसके नीचे दूसरा लट्टू. इस तरह से आपके पास दो double cone बन के आ जाए. When it is revolved about the hypotenuse, you will get the two cones like this. एक लट्टू, उसके नीचे दूसरा लट्टू. Right? So this way you are getting the double cone. So I'm taking D to be the name. So the two double cone, naming ACD and ABD. But the question is find the volume and the surface area of the double cone so formed. Volume and the surface area of the double cone so formed. ये जो double cone आपके पास बना, इस इन दोनों का मिला के जो volume बनता है वो volume निकालना है, और इन दोनों को मिला के जो surface area बनता है, जो भी object आपके सामने आपको दिख रहा है उसको मिला के जो आपको surface area बनता है, combination बन गया ये भी solids का, तो वो हमें find करना है. चलिए भाई, अगर हम इन दोनों कोन्स की बात करें तो एक बेस होना चाहिए. इसको पॉइंट ओ बोल दो. सब कुछ अभी हम लिखेंगे. एक तरह से हमारे ये कोन्स दो ऐसे हैं. ये है इनका रेडियस ऑफ बेस, डायमीटर जिसको हम बोलते हैं. तो व्हेन द कोन्स आर फॉर्मड बाय रिवॉल्विंग in such a way such that BCs remain the fixed. The another sides, ये जो side उठ के यहाँ पे आई, उनकी length same रहेगी. That means this is 3, this is 4.
राइट, कोण ए बी डी एंड कोण ए सी डी में हमारे पास बी डी ए बी ए सी और सी डी सेम रहेंगे। तो किसी भी कोण का बेटे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो उसकी हाइट, दूसरी उसकी रेडियस। अब मैं इस कोण ऊपर जो कोण है ए सी डी और दूसरा जो कोण है ए बी डी, उनकी हाइट्स को मैं अलग अलग से नहीं फाइंड करूंगी क्योंकि इट इज द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द दीज टू कोण्स। तो हाइट उस चक्कर में पूरी हाइट निकल गई, तो दैट विल गिव मी द यू कैन से हेल्प। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग आफ्टर रिवॉल्विंग द ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए, राइट एंगल्ड एट ए we will get a double cone, cone ABC and cone ABD, दो cones हमारे पास आएंगे इसको revolve करने के बाद, we will get two double cones, one is cone ABC, another is cone ABD, with diameter as AD, AD in cones ka diameter hai, and radius as AO, ye in dono cones ki same radius। क्यों मैं इसको radius कह रही हूं, क्योंकि जब हम identically इसको इधर उठाएंगे उतना ही हिस्सा इधर आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों parts equal हैं। ये height, height जहां पे जाके base को meet करती है वो वाला डिस्टेंस रेडियस होता है कोन के केस में। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन मीटिंग द एक्सिस, दैट इज बिकम्स द रेडियस ऑफ द कोन। तो सबसे पहले हम इस हाइट BC को फाइंड कर लेते हैं, व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाइट ऑफ बोथ द कोन्स कलेक्टिवली। सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज BC स्क्वायर, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। So BC square is equal to 3 square plus 4 square. So BC square is equal to 9 plus 16. So solving it, BC is equal to 5. Collectively, the height of two cones, it comes out to be 5. और मैंने अलग अलग से height निकालनी नहीं है, मैं इसको collective height से ही देखना आपको volume निकाल के बता दूंगी। आपको भी realize होगा कि वाकई में हमें individual cones की height की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात आती है कि हम इस radius को कैसे निकालें। ये मैं बाहर triangle को लेके आती हूँ ए बी सी, इसमें हमें ए ओ चाहिए, ये थ्री है, ये फोर है, ये नाइन है। इस ट्राइंगल का एरिया इफ वी राइट इट इन टू वेज वेरी इजिली वी कैन फाइंड ए ओ। कैसे? एरिया ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज हाफ बेस थ्री, हाइट फोर बीइंग 90 डिग्री, सो दिस बिकम्स 6। सेकेंड वे, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, this is equal to half base BC, height AO, base BC and height AO, put कर दिया मैंने values, put करें, this is half BC base, अभी अभी हमने निकाला 5 and AO हम find करना चाहते हैं। this is equation number 1, this is 2। equation number 1 में भी मैंने area of triangle निकाला, equation number 2 में भी area of triangle निकाला, and area of triangle will be the same in how many ways you are finding it, that doesn't matter. So from 1 and 2, from 1 and 2, both the areas I am going to equate, that means 6 is equal to 1 by 2 into 5 into AO. 6 2s are 12 upon 5 is equal to AO. 2.4 is the radius of the base of both the cones. This is the way to find radius, height we have find out collectively using the area of triangle ABC in two ways, once half into base into height by using AB as base, AC as height, another half into base into height, one BC as base and AO as height. So we have arranged the height, we have arranged the radii, so radius is unique for both of them. Now we are able, we can find the volume of the cone, double cone. So volume of double cone
So foam is equal to volume of cone ACD plus volume of cone ABD. दोनों कोन्स की वॉल्यूम को हम ऐड करें तो कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h. सो आई एम राइटिंग दिस इज 1/3 πr² की जगह मैंने AO का स्क्वायर लिखा, H OC का स्क्वायर. OC, H इज OC, हाइट ऑफ द फर्स्ट कोन ACD. सेकंड 1/3 π, रेडियस सेम OA² एंड हाइट ऑफ द अनदर कोन इज BO. राइट, so I'm taking 1/3 πa² as common. इसको common ले लिया, यहाँ बचा OC और अगले step में बचा BO. So now this is 1/3 π. बाद में put करते हैं values. मैंने आपको बोला था ना मुझे दोनों cones की heights को अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को collective जो height मैंने निकाली है that will help me. Very easy. OC plus OB. This is OC plus OB. मिलके क्या बना? BC. तो यहाँ पे आप BC लिख दो. So this is 1/3 π की वैल्यू mentioned है. Choose value pi as found appropriate. जो भी कहता आपको ठीक लगता है. BC हमारा height कितना आया था? 5. तो 3.14 भी choose की जा सकती है. Into BC. BC was 5. So approximately this will be the centimeter cube, this will be the volume of the double cone so formed. Just a minute, wait. हमने निकाला था कितना आया था, आई थिंक 2.46 इज इक्वल टू 2.4. AO की वैल्यू भी पुट करेंगे एंड BC वाज 5. अब करो मल्टीप्लाई, अब आपका आंसर आएगा आई थिंक 30.17 जो भी. सेंटीमीटर क्यूब. राइट, सो रेडियस की बात थी, वो हमने एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड कर ली, और हाइट इंडिविजुअली फाइंड करने के बाद की बजाय यू फाइंड इट कलेक्टिवली, यू टेक कॉमन सो दैट द इंडिविजुअल हाइट्स दे क्लब इनटू द वन हाइट विच वी कैन यूज बीसी. राइट, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन or the solid that you can see after this revolution. So let us see what the solid is looking like. So as I told you, the solid will be just like one conical lattu is placed upon the another conical lattu. Aise. तो अगर आप इसके सरफेस एरिया की बात करो, देखो ना यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिखा ना ही कर्व, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में नथिंग विल बी मेंशन, इट विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द फिगर. So if we are talking about the curved surface area of this this solid, you can see what boundary of the solid you can see. That is the curved surface area of cone ACD and the curved surface area of the cone ABD. So we'll see surface area of solid. This is equal to curved surface area of cone ACD plus curved surface area of cone ABD. Curved surface area of cone ACD plus curved surface area of cone ABD. Curved surface area का formula pi, r is AO
और एसीडी कोन की स्लांट हाइट, दोनों में से कुछ भी यूज की जा सकती है, एसी या सीडी। तो मैं एसी लिख रही हूँ पाई आर एल, एंड दूसरा पाई रेडियस वही, एंड एबीडी कोन की स्लांट हाइट, एबीडी एंड बीडी में से कोई भी यूज की जा सकती है, आई एम यूजिंग एबीडी। सो पाई इनटू एओ वी कैन टेक एज कॉमन इनसाइड एसी प्लस एबी। सो पाई एओ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2.4 रेडियस, एंड एसी यू कैन सी फ्रॉम द फिगर 4, एंड एबी इज 3। सो दिस इज 22/7 इंटू 2.4 इंटू 7, 7 गेट कैंसिल, 50.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू सी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एंड द कॉन्सेप्ट, द फिगर विल गाइड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो टुमारो यू हैव टू कम फॉर वैक्सीनेशन, आई विल पुट द टाइम अकॉर्डिंगली। And one thing more, those who are coming, they will bring their holidays homework, and those who have not given their holidays homework till now, today is 1st Feb, तो आप 3rd Feb तक अपना homework जो है reception पे आके दे जाओ, ठीक है? Only then you will get marks in your internal assessment. So many things, day by day I'm telling you, be responsible. Very responsibly you should deposit your homework, holidays homework to your respective subject teachers. And you have to maintain your attendance as well. So many students are sitting in the class like this, whose attendance is short by 50, by 60. See, what the people will do? This Vanshika. Again, today she is not in the class. See, bilkul hi nahi is bachchi ko matlab hai ki main classes lagaun. And many students are there like that, who are not attending the classes and their attendance is very, very short. चलिए, सो वी आर लेफ्ट ओनली विद टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, 5th, 6th, 7th दे आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3rd। अ सिस्टम internally measuring 150 cm, 120 cm, 111 cm has 129,600 cm³ of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Chaliye, time is over, we'll continue tomorrow. Do attend your classes, again and again I'm saying the same thing.